वर्तमान में भजन कीजिए, वर्तमान को सुधार लीजिए, भूत और भविष्य दोनों मंगल में हो जाएंगे। अगर वर्तमान बिगड़ गया तो भूत बन के लगेगा ही, भूत तो भूत बन के लगे, भूत जिसके ऊपर लगता है चैंस रहने देता है क्या? तो भूत का कर्म भूत जैसा ही है, जो शुभ और अशुभ कर्म है वो दोनों दुख देते रहते हैं। आप न आवे ताहि पै ताहि तहां ले जाए, जहां जिस तरह का कष्ट विधान लिखा है वो वहीं वैसे दंड भुगता रहता है। तो हमारा मनुष्य शरीर कोई पशु शरीर थोड़ी कि हम केवल उसी भूत के विधान से जिए। हम वर्तमान में नया भाग्य रचेंगे, हम वर्तमान में परम मंगल विधान रचेंगे। ये छूट है मनुष्य जन्म में, और किसी में नहीं। 83,99,999 योनियों में ये छूट नहीं, ये केवल एक मनुष्य। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ बड़े भाग मानुष तन पावा, इसकी बड़ी महिमा है। इसी बात की महिमा है कि हम ऐसे सत आचरण करें, ऐसा भजन करें कि हमारा पूर्व का सारा पाप नष्ट हो जाए, आगे हम सुख में जीवन व्यतीत करें। पर वो मंगल धर्म आचरण से, भजन से होगा, मनमानी आचरण से, पापाचरण से और गंदा हो जाएगा, फिर भोग भोगने पड़ते हैं। परहित की भावना, नाम जप का अभ्यास, पवित्र आहार विहार विचार, सब ठीक हो जाएगा। अगर पूर्व के कर्म नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं, क्योंकि पूर्व के कर्मों में थोड़ी लिखा हुआ है कि इसको भगवत प्राप्ति होगी, वो तो वर्तमान के भजन से भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति वर्तमान के भजन से होती है। तो हमारे भाग्य में तो नहीं लिखा कि हम वृंदावन वास करें, भगवत प्राप्ति करें, लेकिन गुरु कृपा हुई, संत कृपा हुई और ये पता चला कि जीवन का लाभ भगवत प्राप्ति है, तो सत्संग मिलने लगा और उससे हमारी भजन में रुचि हुई, भजन ने हमारे भाग्य का परिवर्तन शुरू कर दिया। ये पूर्व कर्म शरीर को दंड देंगे, शरीर को रोग ग्रसित करेंगे, निंदा होगी, अपमान ये सब होगा, लेकिन वर्तमान का भजन ऐसा ज्ञान प्रदान कर दिया कि निंदा का प्रभाव नहीं, कष्ट का प्रभाव नहीं, आनंदमय ये जीवन, और शरीर छूटने के बाद प्रभु की प्राप्ति, मंगल हो गया। अगर भजन ना करे तो फिर और किसी कर्म में सामर्थ्य नहीं है कि कर्म, जैसे गंदे हाथ को नाली के जल से, नाली के पानी से धोए तो साफ थोड़ी माना जाएगा, ऐसे ही वासनात्मक कर्म, और उससे हम पुराने कर्मों को नष्ट नहीं कर पाएंगे। भागवतिक कर्म में जैसे निर्मल गंगा जल से धोए तो परम पवित्र हो गए, ऐसे भागवतिक ऐसे कर्म हो भागवत धर्म के, कि वो कर्मों का नाश करके हमारा भविष्य मंगलमय हो जाए, क्योंकि भगवान मंगलमय है, मंगल भवन है ना। तो अमंगलहारी जितने पीछे थे सब मंगल नष्ट कर देंगे, वो आगे सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस, नाम जप करो भगवान का, बुजुर्गों की सेवा करो, असहाय की सहायता करो, बड़ी जल्दी पूर्व अशुभ नष्ट हो जाएंगे। दूसरों को सुख देने की भावना ये बहुत काम लगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा समय, जो दूसरों को दुख दे करके सुखी होना चाहते हैं बहुत भूल कर रहे हैं, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। जो खुद दुख सह कर दूसरों को सुख देना चाहते हैं आगे उनको कभी दुख नहीं मिलेगा, कोई भी दुख उन्हें परास्त नहीं कर पाएगा। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो।